जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। हम आपके साथ हैं सौरभ चौधरी। अब हम सरायरंजन प्रखंड में मौजूद हैं। हमारे समक्ष कुछ जनता मौजूद है, कुछ युवा मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि इनका क्या राय है और इस बार विधानसभा चुनाव जो होगा किस आधार पर होगा। आप लोग बताइएगा कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा किस आधार पर कीजिएगा आप लोग जी। हर एक बार एक ही सरकार को घसीटते घसीटते हम लोग आ रहे हैं और हर एक जगह पर, कोई भी जगह हो, कोई भी मोर्चा हो, यहाँ पे युवा को सबसे पहले इनवाइट किया जाता है और कोई भी अगर रैली निकल रहा है तो वहाँ पे युवा को सबसे पहले बुलाया जाता है, बट उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है युवा पे। ठीक है, अगर युवा का पीड़ा अगर कोई समझेगा तो युवा का पीड़ा एक युवा ही समझेगा, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। सिर्फ युवा झंडा लेके रोड पर खड़ा रहता है, उनके बदले उनके जो ऊपर सीनियर हैं वो आ जाते हैं, लेकिन युवा कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ पे जैसे हमारे समस्तीपुर में बहुत से मिल हैं, अभी तक बंद हैं, अभी तक वो चालू नहीं हुए हैं। युवा का पीड़ा युवा समझेगा, इसीलिए एक युवा को सहजन क्षेत्र से खड़ा होना चाहिए। इस बार जो विधानसभा चुनाव आप लोग कर रहे हैं, ये वोट जो मतदान कीजिएगा किस आधार पर कीजिएगा जी? विकास के आधार पर होगा जी, क्योंकि एक युवा पीढ़ी जो है, युवा का विकास कौन कर सकता है? युवा का विकास युवा ही करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा, आज तक किया ही नहीं। तो क्योंकि जब भी जरूरी पड़ता है, अगर युवा अगर चाहते हैं कि अगर मैं, हमारे प्रेजेंट में भी विधायक जी हैं विजय कुमार चौधरी जी, उनसे भी बहुत उम्मीद रहता था हम लोग को, लेकिन जब भी इलेक्शन आता तभी वो खोजते हैं कि युवा कहाँ है, मेरा पीछे मोटरसाइकिल दौड़ाओ, ये कराओ, लेकिन उसका दर्द जो होता है वो नहीं समझते हैं। इसलिए इस बार हम लोग माइंड बनाए हैं कि युवा है तो युवा ही को चुनेंगे, चाहे जो हो। पढ़ लिख के भी अभी ऐसे बैठे हुए, ग्रेजुएट करके हम लोग बैठे हुए, क्या विचार है आप लोग? अब की बार हिंदू गुंजन कुमार, अब की बार हिंदू गुंजन कुमार, बस रंजन से, रंजन की यही पुकार, अब की बार गुंजन कुमार। आप देख रहे हैं कि हर युवा का एक ही पुकार है कि गुंजन कुमार। चलिए हमारे समक्ष गुंजन जी भी मौजूद हैं, उनसे मिलते हैं, क्या कहते हैं चुनाव। गुंजन जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन जी। इस बार का जो चुनाव है, युवा की आवाज़ है गुंजन कुमार, क्या कहना है आपका इस? अरे क्या बात है, क्या कहना है सौरभ जी, आप तो खुद घूम रहे हैं जी, आप लोगों की राय जान रहे हैं। अगर युवा का पुकार है गुंजन कुमार है तो गुंजन कुमार भी तैयार है। तो इस बार जो आप विधानसभा चुनाव में उतर हैं, क्या लक्ष्य और उम्मीद के साथ? देखिए लक्ष्य सौरभ जी निश्चित रूप से हमारा है कि युवाओं के चिरहरण पर सत्ता प्राप्त करने वाले नेताओं को अब सीधा सा करा सा संदेश है। युवा आपके इंतजार में घंटों सड़कों पर माला लेके खड़ा है और आप युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 70% युवा है, भारत युवा देश है, जहाँ 18 से लेकर 35 वर्ष तक की आयु वाले 65% लोग हैं, 65% युवा हैं, और आज वो युवा समस्तीपुर में 10 विधानसभा का सीट है, एक भी युवा विधायक आपको नजर आता है? तो आखिर क्यों युवा का सिर्फ आप उपयोग करने के लिए तैयार हैं? और सरायरंजन की वो धरती है जहां से क्रांति स्टार्ट होती है और मैं ये क्रांति शुरुआत करने वाला हूं, और मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष से और राष्ट्रीय अध्यक्ष से यह मांग करता हूं कि हमारे एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ से लेकर पंचायत से लेकर जिला स्तर तक अब उन्होंने अपना त्याग समर्पण किया है, अपने जीवन को चुनाव चिन्ह क्या होगा? मेरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह करेंगे कि सरायरंजन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़े। अगर आपको ये सरायरंजन की जनता मौका देती है तो आपका लक्ष्य, सबसे पहला लक्ष्य क्या होगा? मेरा सबसे पहला लक्ष्य होगा कि यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करना, दूसरा लक्ष्य होगा कि यहाँ के किसानों के लिए समुचित व्यवस्था, चूँकि सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में ये सरेसा की भूमि है और आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारतवर्ष में सरेसा की भूमि एक बहुत बड़ी भूमि है, उपजाऊ भूमि है, ऐसा मिट्टी कहीं नहीं मिलता है। इस मिट्टी पे हर चीज़ की खेती की जा सकती है और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन का केंद्र है और आज के डेट में सब्जी भी उपजाई जाती है। अब बताते हैं कि तंबाकू यहाँ से उपजाया जाता है, किसान से बिचौलिए लोग लेते हैं और उसे अदर स्टेट में भेजते हैं, उस तंबाकू का क्या उपयोग हो जाता है, किसान की क्या फ़ायदा होती है? यहाँ से सब्जी आज परवल और गोभी यहाँ से 20 रुपये खरीदा जाता है किलो और सहरसा में जाके 70 रुपये किलो बिकता है, दरभंगा में जाके 60 रुपये किलो बिकता है। वो किसान डायरेक्ट वहाँ पे क्यों नहीं भेज पाता? उसके लिए ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था नहीं है। ये किसानों की उन्नति का काम होना चाहिए। दूसरा कि यहाँ के युवाओं के लिए समुचित विकास और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए। तीसरा चीज़ मैं ये कहता हूँ कि क्या एक व्यक्ति जो विधायक बन गया उसे बार बार विधायक बनने की ज़रूरत है? आपके पीछे सैकड़ों युवा, आपके पीछे दिन रात युवा अपना त्याग समर्पण करता है, अपने परिवार को छोड़ता है। इतना ही देना चाहता हूँ कि याद कीजिए युवा की क्रांति,
युवा वो क्रांति, अगर युवा को आप पलट देते हैं तो वायु बन जाता है और वायु के वेग में बड़ा बड़ा चट्टान भी ध्वस्त होता है। जिस प्रकार महाभारत में अभिमन्यु अकेले लड़ाई लड़ा था, इसलिए हर आप इतिहास उल्टा के देखिए ना, इतिहास का पन्ना जब भी आप उल्टाते हैं, जब भी आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको युवा क्रांति ही नजर आती है। चाहे 1857 का वो क्रांति हो, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे आप जितने भी लोगों को देखेंगे, जो भी क्रांति आती है कहीं ना कहीं युवाओं के द्वारा वो क्रांति होती है। और ये क्रांति समस्तीपुर की धरती से एक बार स्टार्ट होगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि युवा पूरे बिहार का तैयार है परिवर्तन के लिए। जो लोग मठाधीश बन के बैठे हुए हैं, युवाओं का उपयोग कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए अब खैर है। तो सराय रंजन की जनता को आप आश्वासन दे रहे हैं कि आप क्षेत्र में आ रहे हैं? निश्चित रूप से सराय रंजन की जनता अगर मुझे पसंद करती है, मुझे अपना आशीर्वाद देती है, तो सराय रंजन के लिए तन मन धन समर्पित मैं अपना करने के लिए तैयार हूँ। आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार, कैमरामैन रोशन के साथ सौरभ चौधरी की रिपोर्ट।